बजरंगी भाईजान ने कमा लिए हैं 3 दिन में करीब 102 करोड़ रुपए। तोड़ दिए हैं बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, रच दिया है इतिहास। सलमान के करियर की बजरंगी भाईजान बन गई है बेस्ट फिल्म। बजरंगी भाईजान में सलमान की अदाकारी की जो तारीफ हो रही है, वो तारीफ आमिर या एसआरके के खाते में भी जा सकती थी। कामयाबी का जो सहरा सलमान के सर बंधा है, वो आमिर या एसआरके के सर पर भी सज सकता था। चौंक गए ना सुनकर, पर ये सच है। तो चलिए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी। जूम को एक्सक्लूसिवली सूत्रों से पता चला है कि जिस इंसान ने बजरंगी भाईजान का कॉन्सेप्ट तैयार किया था, उसने सबसे पहले आमिर और शाहरुख खान को किया था अप्रोच। पर शायद आमिर और एसआरके दोनों ने ही इस कॉन्सेप्ट में नहीं दिखाई कोई खास दिलचस्पी। आमिर और एसआरके के बाद इस शख्स ने कबीर खान को किया अप्रोच। कबीर को ये कॉन्सेप्ट आया बेहद पसंद। फिर कबीर ने सलमान को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। सलमान की रजामंदी के बाद कबीर ने किया इस कॉन्सेप्ट को डेवलप। और आगे की कहानी तो आज सबके सामने है। आमिर और एसआरके की छोड़ी हुई फिल्म सलमान के लिए साबित हो रही है पारस पत्थर। दोस्ती की खातिर भले ही आमिर और एसआरके ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि बजरंगी भाईजान उनके पास भी आई थी, पर दिल में कहीं ना कहीं उन्हें इस फिल्म को छोड़ने का मलाल तो हो ही रहा होगा। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।